20 जुलाई 2022 को हमारे सामने एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि इंडियन रेलवे को 260 करोड़ का नुकसान हुआ। अरे बाबा! और साल में करोड़ों रुपए कमाने वाली इंडियन रेलवे आखिर कैसे लॉस में चली जाती है? अगर आप मुझसे इसके तीन रीजन पूछो तो मेरी तरफ से ये तीन रीजन है। 260 करोड़ के लॉस में सबसे बड़ा हाथ जो था वो था अग्निपथ योजना का। लेकिन इस योजना से हटकर बात कर ली जाए तो वहाँ पर इंडियन रेलवे हर एक रुपए के स्पेंड पर 55 पैसे का लॉस सहन करती है, जो कि सिर्फ पैसेंजर ट्रेन पर वैलिड है। और तीसरा रीजन है लोअर प्रोडक्टिविटी, हाई वेजेस एंड करप्शन। ये तो धोती खोल रहा है। अब इससे एक बात तो क्लियर होती है, इंडियन रेलवे को जो भी प्रॉफिट होता है वो होता है मालगाड़ियों। अब आगे ऐसे अपडेट लेने के लिए सब्सक्राइब टू सत्यम सोलंकी।